इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने डीप लर्निंग को यूज करने के लिए जो टेंसरफ्लो की एक पॉपुलर लाइब्रेरी है उसको कैसे इंस्टॉल करना, उसके वर्जन को कैसे मॉडिफाई करना, अपग्रेड और डाउनग्रेड कैसे करना। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टेंसरफ्लो है क्या, उसके बाद उसकी इंस्टॉलेशन की तरफ आएंगे। टेंसरफ्लो एक लाइब्रेरी है जो गूगल की ब्रेन टीम ने डेवलप की थी जब मशीन लर्निंग को बीट करने के लिए डीप लर्निंग बहुत ज़्यादा इन हो गई थी। मशीन लर्निंग कुछ कन्वेंशनल एल्गोरिथम्स को लेकर चल रही थी, लेकिन न्यूरल नेटवर्क्स और इमेजिंग का काम जब बहुत ज़्यादा पेस उस काम में पकड़ी तो फिर गूगल ने फील किया कि हमारे पास एक ऐसी जेनेरिक लाइब्रेरी होनी चाहिए जो डीप लर्निंग के टास्क को ईजिली परफॉर्म कर सके। क्योंकि डीप लर्निंग के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसको हैंडल करना एक बहुत बड़ा इशू रह जाता है। इसके लिए गूगल की टीम ने डिसाइड किया कि वो टेंसर डिज़ाइन करें और जो टेंसर जो उन्होंने डिज़ाइन किए उसको कंबाइन करके पूरा जो एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया उसका नाम उन्होंने टेंसरफ्लो रख दिया। अगर हम इसको वैसे भी सर्च करें टेंसरफ्लो को, तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि टेंसरफ्लो इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी फॉर डाटा फ्लो एंड डिफरेंशिएबल प्रोग्रामिंग अक्रॉस अ रेंज ऑफ टास्क। ये लैंग्वेज टेंसरफ्लो की जो लाइब्रेरी है हम डिफरेंट टास्क के लिए यूज कर सकते हैं। टेंसरफ्लो की लाइब्रेरी हमें असल में दो चीज़ें प्रोवाइड करती है, एक होते हैं टेंसर्स और एक होते हैं ग्राफ्स। तो हम टेंसर ग्राफ्स भी कहते हैं, या टेंसरफ्लो के ऊपर बिल्ड हुए ग्राफ्स होते हैं जिसके अंदर हमारा पूरा सेशन जो होता है वो हमें शो हो जाता है। जो हमारे टेंसर्स होते हैं ये एक मल्टी डायमेंशन अरे होती है, एन टाइप की अरे होती है। अगर हम इसको यहाँ पर भी देखें इसकी शेप को, तो ये हम देख सकते हैं कि इसमें एन डायमेंशन के ऊपर हमें शो हो रहा है डाटा। इसलिए अगर कोई भी डाटा हमारे पास जो मल्टीपल डायमेंशन का है, यूजली हम यूज़ करते थे डायमेंशन प्रोग्रामिंग के अंदर 2D डाटा या एट मैक्स 3D डाटा, लेकिन टेंसर्स के अंदर हमारे डाटा की कोई लिमिट नहीं होती। हम जिस तरह की शेप चाहें, जितनी मर्जी उसके पैरामीटर्स हों, वो ए से लेकर जेड तक उसकी चाहे एक्सेस हो जाए, हम उसके ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास डाटा मल्टीपल डायमेंशन का होता है, डीप लर्निंग के अंदर डाटा का अमाउंट ही बहुत ज़्यादा होती है, उसको हैंडल करने के लिए टेंसरफ्लो की लाइब्रेरी डिज़ाइन की गई। और इस टेंसरफ्लो की लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए आगे हम पूरा पूरा एक मॉडल ट्रेन करवा सकते हैं। इसको हम बेसिकली अगर डिवाइड करें टेंसरफ्लो को, तो इसके तीन पार्ट्स बनते हैं। पहले स्टेप के अंदर हम डेटा की प्री प्रोसेसिंग करवाते हैं किसी भी मॉडल को ट्रेन करवाने के लिए टेंसरफ्लो के लिए। उसके बाद हम उसका नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं और उसका उस थर्ड स्टेप के अंदर आके हम उसको मॉडल को ट्रेन करवाते हैं और उसकी वैल्यूएशन करते हैं। ये सारा का सारा काम हमारा जो है वो टेंसरफ्लो के ऊपर बिल्ड हुआ होता है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम टेंसरफ्लो की इंस्टॉलेशन का तरीका देखें और फिर आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे कि उसके ऊपर कोड्स वगैरह कैसे रन किए जाएंगे, या टेंसरफ्लो का नेटवर्क कैसे डिज़ाइन होगा और उसको मॉडल को कैसे ट्रेन करेंगे। ये एक टेंसरफ्लो का ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, लेकिन इसकी डिटेल में अगर हम जाएँ तो ये बहुत काफ़ी वास्ट लाइब्रेरी है जो एक शॉर्ट वीडियो में कवर नहीं हो सकती। आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको आइडिया होता जाएगा। सबसे पहले हम टेंसरफ्लो को अगर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा। पिप एक इन्वायरमेंट है। अगर हम इसका टर्मिनल खोलें यूबंटू का, यहाँ पे हम टाइप करें पाइथन, ये हमारे पास पाइथन 2 स्टार्ट होगी। अगर हम इसे टेंसरफ्लो को इंपोर्ट करके देखें, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है नो मॉड्यूल नेम टेंसरफ्लो। इसी तरह पाइथन 3 में भी चेक कर लेते हैं, इसमें भी अगर नो मॉड्यूल नेम टेंसरफ्लो। इसलिए अब हम मोस्टली प्रेफर करते हैं कि पाइथन 3 के इंस्टॉलेशन हो, लेकिन अगर हम पाइथन 2 में चाहें तो उसमें भी किया जा सकता है। सेम मेथड है, हम वैसे पाइथन 3 को फॉलो करें। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा। पिप एक हमारे पास लाइब्रेरी है जो यूज़ हम करते हैं किसी भी किस्म की डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करने के लिए या इंस्टॉल करने के लिए। ये एक ईजीएस्ट वे है किसी भी प्रोग्रामिंग की लाइब्रेरी को यूबंटू के अंदर इंस्टॉल करने का, या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। पिप को इंस्टॉल करने के लिए हम इसकी कमांड्स राइट से भी देख सकते हैं, और वैसे ये python -pip करके sudo install python -pip
भी इंस्टॉल रहती है, लेकिन हम गूगल को फॉलो कर लेते हैं इसलिए कि आगे आने वाले प्रोजेक्ट में आपको आसानी रहेगी डिपेंडेंसी रिजॉल्व करने में। 1.8 पे लेके आएंगे, ये हमारा पूरा पूरा फ्लो होगा टेंसरफ्लो की इंस्टॉलेशन अपग्रेडेशन और डाउनग्रेड करने के लिए। अभी हमारे पास पेप टू के लिए भी पेप टू भी इंस्टॉल हो चुका है पाइथन 2.7 के लिए, उसको क्लोज करके अब हम टेंसरफ्लो में इंस्टॉल करते हैं सुडो पेप इंस्टॉल टेंसरफ्लो डबल इक्वल। डबल इक्वल हम यूज़ करते हैं अगर हम वर्जन खुद से डिफाइन करना चाह रहे हैं। एक चीज़ और कि हम इस टाइम GPU वाला सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम टेंसरफ्लो डैश GPU टाइप करेंगे। अगर हम सिंपल टेंसरफ्लो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो हम GPU नहीं टाइप करेंगे और सिर्फ टेंसरफ्लो और एंटर कर देंगे तो हमारी इंस्टॉलेशन टेंसरफ्लो भी होगी। हम इस टाइम टेंसरफ्लो डैश GPU टाइप करेंगे पहले, इसके बाद हम वर्जन चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से वर्जन अवेलेबल हैं। तो इसके अंदर आप कोई भी वर्ड जाकर टाइप करें रैंडम, और ये हमारे पास सारे के सारे वर्जन आ रहे हैं जो जो अवेलेबल है इस टाइम। अब यहाँ पे हमने पेप टू टाइप किया था, पेप टू टाइप किया था, अब हम इसको पेप थ्री के अंदर भी अगर करना चाहें तो हम यहाँ पे पेप थ्री टाइप करेंगे और साथ में टेंसरफ्लो का वर्जन यहाँ पे लिखेंगे। जब हमारी टेंसरफ्लो को इंस्टॉल जब हम टेंसरफ्लो को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर कुछ लाइब्रेरीज वो खुद बहुत डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे इसने यहाँ पर ऊपर नमपाई को इंस्टॉल कर लिया खुद बहुत। ये वो लाइब्रेरीज हैं जो टेंसरफ्लो के लिए रिक्वायर्ड है, और वो बाय डिफॉल्ट अगर ये पहले से पड़ी हो हमारे पास सिस्टम के अंदर तो वो उन्हें इंस्टॉल नहीं करेगा, लेकिन अगर ये उसको नहीं मिलती तो वो उनको खुद बहुत इंस्टॉल कर लेगा। अब ये देखें हमारे पास टेंसरफ्लो GPU 1.8 डाउनलोड हो चुका है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। पाइथन 3 ओपन करें, देखें इम्पोर्ट TensorFlow as EF, आप देख सकते हैं कि उसने TensorFlow का पूरा आर्किटेक्चर हमें यहाँ पे शो कर दिया। जब हमने दोबारा उसको जब टाइप किया इंपोर्ट टेंसरफ्लो एस टी एफ तो इसमें कोई एरर नहीं है, इसका मतलब है कि हमारा टेंसरफ्लो सक्सेसफुली इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ तक हमारा टेंसरफ्लो की मेन इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे हम देखेंगे कि टेंसरफ्लो को अपग्रेड और डाउनग्रेड किस तरह करना है। Thank you.